दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन मैं अखिलेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस वेबसाइट पे जिसका नाम है मेंटर अड्डा। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से अपना माइंडसेट चेंज करके आप एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है, माइंडसेट तो मैंने चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया, बट पैसा बनाए कैसे। ओके फ्रेंड्स, सो आज मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, पैसा जब भी बना पाया है तो पैसा बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है। हमने बचपन से पढ़ा आइंस्टीन का एक रूल था, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आज आपको जितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना हो, फर्क नहीं पड़ता, यदि आपने इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो फार्मूला है, यदि आप उसको परफेक्ट मान रखा है, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि 10 पेज में भी वो सोल्यूशन क्यों ना निकले, यानी कैलकुलेशन करते हुए 10 पेज क्यों ना चला जाए, बट आंसर आएगा। ठीक वैसे ही दुनिया का हर एक इंसान जब भी पैसा बनाया है, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे एक मिलियनेयर हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे हमारे अंबानी हो, हर लोगों ने एक फार्मूले को फॉलो किया है, और जिन लोगों ने इस फार्मूले का फॉलो किया, सिर्फ और सिर्फ वही पैसा बना पाया है। ओके फ्रेंड्स, सो आज मैं बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसकी वजह से लोग पैसे बनाते हैं, शायद ये आपके काम आ सके, मेरे काम तो आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी। देखो, आपको पता है कि हर आदमी का एक रेट होता है, हर आदमी के काम का, घंटों का एक रेट होता है, तो इनकम का एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है कि आपकी जो भी इनकम आएगी वो डिपेंड करती है कि आपका रेट कितना है पर आवर और आप कितने देर काम कर रहे हैं। यस, यानी इनकम इज इक्वल टू आपकी स्किल, या यूं कह लूं कि आपकी रेट इनटू टाइम, दिस इज द फार्मूला। अब रेट की बात करता हूं तो रेट डिपेंड करता है दो चीजों पे, वो किस पे, सबसे पहली बात आपकी स्किल पे, आपकी योग्यता के ऊपर में, और सेकंड आपके अनुभव यानी एक्सपीरियंस के आधार पे। ओके, ये दोनों मिलके आपका रेट डिसाइड करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक लेबर क्लास या एक रिक्शा चालक की योग्यता मैं मान लेता हूं कि आज में एबिलिटी हो, मान लेते हैं कि लगभग घंटे का आप रख लेते हैं, या 100 रुपए घंटे रख लेते हैं, तो 100 रुपए घंटे के यदि रेट है एक रिक्शे वाले की, और यदि वो 8 घंटे रिक्शा चला रहा है, तो 800 रुपए पर डे वो अर्न कर रहा है। ओके, लेट्स सी, हम मान लेते हैं कि एक एवरेज इंसान की तरह हमारी और आपकी एबिलिटी हो 200 रुपए पर आवर की। यदि हमारी 200 रुपए पर आवर की एबिलिटी यानी योग्यता हो, और यदि हमने 8 घंटे जॉब किया कहीं जाके या कोई काम किया, तो हमें मिल जाता है 1600 रुपए पर आवर, राइट। वहीं पे जब हम बात करते हैं किसी प्रोफेशनल की, यानी कि एक डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर हो गया, एक एडवोकेट हो गया, तो हम मान लेते हैं कि 1000 रुपए पर आवर की उसका रेट है, तो उस केस में उसको 8000 रुपए 8 घंटे का ही मिल गया। लेकिन उन्हीं प्रोफेशनल्स के अंदर में कुछ एक्सपर्ट होते हैं, कोई सर्जन है, राइट, कोई एक बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, तो ऐसे केस में उनकी जो स्किल है, उनकी स्किल उनसे ज्यादा है, या यूं कह लो कि उनका एक्सपीरियंस कहीं ज्यादा है काम प्रोफेशनल से, तो 1000 के बजाय 10000 रुपए उनका रेट है पर आवर का, तो कितना कमा ले रहे हैं, 80000 रुपए रोज लेके जा रहे हैं, राइट। यहां तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। यहां पे एक बात कॉमन, लेकिन ध्यान देना, यदि मैं इस फॉर्मूले की बात करूं या इस इनकम की बात करूं, तो हर इंसान की इनकम तो अलग अलग है, स्किल तो अलग अलग है, बट एक चीज कॉमन है, और दैट इज वर्किंग आवर। यस, काम करने के घंटे या समय, हर इंसान काम 8 ही घंटे कर रहा है, बट 8 ही घंटे में हमें और आपको आ रहा है 1600 रुपए पर डे, क्योंकि 200 रुपए का रेट है, लेकिन उसी 8 घंटे में किसी को आ रहा है 80000 रुपए पर डे, क्योंकि उसका रेट 10000 पर आवर की है, राइट। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम जहां हैं वहां हैं, एक टाइम के बाद में एबिलिटी बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। 1600 रुपए यानी 200 रुपए हमारी एबिलिटी हो, और फैमिली हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, हमें सामने से ये बोला जाए कि इस एबिलिटी को बढ़ाओ, यानी 1600 नहीं, आपको 3200 रुपए पर डे घर में लेके आना है, यानी हमारा जो रेट है वो 200 के बजाय 400 करना है, तो फ्रेंड्स दिक्कत ये आती है कि एक टाइम के बाद में आप एबिलिटी नहीं बढ़ा सकते। आपने बीटेक कर लिया, आपने एमबीए कर लिया, आपने एमसीए कर लिया, और आप जॉब कर रहे हैं, अब ऐसा जॉब के ड्यूरेशन में कौन सा एजुकेशन ले लेंगे, राइट। आपका एक्सपीरियंस ही साथ बढ़ा सकता है, तो एक टाइम के बाद में रेट बढ़ना मुश्किल है। आपके हाथ में एक ही चीज होती है, दैट इज टाइम, कि आप टाइम को बढ़ा लो और आपकी अपने इनकम को इंप्रूव कर लो। लेकिन अगेन एक समस्या है, जब मैंने ये फार्मूला जाना तो मैंने जरा स्टडी किया, और देखते देखते मैं क्या देखता हूं कि एक यहां पे क्लैश आता है। क्लैश क्या आता है कि मैं अपने क्षेत्र के, अपने गांव के गंगू हलवाई के पास पहुंचता हूं, अब गंगू हलवाई तो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है यार, लेकिन उसकी एबिलिटी जबकि मुझसे बहुत कम है, मतलब ये उसकी खुद की एबिलिटी
₹100 आवर की है, लेबर क्लास की, पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन उसकी रोज की इनकम आ रही है 8,000। हम उससे योग्य हैं, हम उससे काबिल हैं, फिर भी हमारी इनकम आ रही है ₹1600 पर डे। रीजन क्या है? और रीजन ही मेरे लिए शॉकिंग था। वो क्या था? तो ₹100 पर आवर रेट किसका था? हमारे गंगू हलवाई का। लेकिन ₹100 आवर के हिसाब से वो भी काम कर रहा है 8 घंटे, तो 8 घंटे के हिसाब 800 आने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे उसका रेट चेंज क्या हो, गेम क्या हो गया? यहाँ गेम ये हुआ कि 8 घंटे तो जॉब कर रहा था, लेकिन अपने साथ में उसने 10 लेबर को इन्वॉल्व किया, 10 लोग उसके यहाँ काम कर रहे थे। तो आप इमेजिन करो कि वो 10 लोगों ने 8 घंटे दिए, तो टोटल होते हैं 80 आवर्स। यस, 80 घंटे किसके लिए? गंगू हलवाई के लिए। तो गंगू हलवाई का एबिलिटी कमजोर होने के बाद, रेट कम होने के बावजूद, वो 8,000 रुपये घर लेके जा रहा है, जबकि हम और आप 1600 रुपये लेके जा रहे थे। यानी सिंपल शब्दों का यदि इस फार्मूले को आप ध्यान से देखें तो इनकम करने का सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है, और वो ये है कि आप काम करने के साथ साथ काम करवाना है। यस, टाइम कंपाउंड करने पे ही इनकम बनती, नहीं तो इनकम कभी नहीं बना सकते आप। हर इंसान के पास है 24 घंटे, 24 घंटे में 8 से लेकर 10 घंटे कोई व्यक्ति काम करता है, और जब हम 8 से लेकर 10 घंटे काम करते हैं तो हमें 8 से लेकर 10 घंटे की ही इनकम आती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप अपने पड़ोस में किसी को देखिए, किसी का 5 लोग की फैमिली हो, वहां पे 1% यानी उसमें जो मुखिया घर का है वो कहीं जॉब या नौकरी कर रहा हो, राइट? तो देखो उस घर की कंडीशन क्या है। और उसी पड़ोस में आप सेम चलो, दूसरे पड़ोस में देखो, 5 लोग की ही फैमिली है, लेकिन वहां पे जॉब 2 लोग कर रहे हैं, एक फादर और एक बेटा, यानी बाप और बेटा दोनों लोग वहां पे काम कर रहे हों। तो इस केस में आप देखो कि 8 घंटे ये, 8 घंटे वो, दोनों मिला के होते हैं 16 घंटे। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि सेकेंड पर्सन के घर की कंडीशन आपके पड़ोसी से बेटर होगी, जिसके यहाँ काम करने वाला एक ही व्यक्ति है। रीजन क्या है? रीजन, एक फैमिली के लिए काम हो रहा है 8 घंटे, सेकंड फैमिली के लिए काम हो रहा है 16 घंटे। यानी कैलकुलेशन की बात सिंपल सी ये है कि जो जितना ज्यादा देर काम कर सकता है या करवा सकता है वही पैसा कमाता है, चाहे टाटा हो या बाटा। आप चेक कर लो, सबसे ज्यादा इनकम उसकी है जिसके अंडर में, जिसके टीम में, जिसके साथ ज्यादा लोग वर्क करते हों। और यही फार्मूला है। यस, जब तक आप टाइम को कंपाउंड नहीं करते तब तक आप पैसे नहीं बना सकते, दिस इज द रूल। So, आप लाइफ में, जिंदगी में कुछ भी करने जाओ, एक कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। यस, आप लाइफ में कुछ भी करते हो तो हमेशा ध्यान देना कि टाइम को कंपाउंड करना पड़ेगा। यस, उसके बिना आपको बड़ी इनकम कभी लाइफ में एंटायर नहीं आ सकती। ओके फ्रेंड्स, सो अब आपको टाइम कंपाउंडिंग तो समझ में आ गया, लेकिन सवाल है कि टाइम कंपाउंडिंग हम किस बिजनेस पे या किस पे करें। इसके लिए दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बट आपको एक बात बोल के बताना चाहूंगा कि एक कमेंट आया था मेरे यूट्यूब के चैनल पे कि सर ये बातें तो हमें पहले से ही पता है, किताबी बातें हैं, क्यों ना कुछ नया सिखाइए। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगा, यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये चीजें नहीं पता है। यदि आपको मालूम है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और मैं बताऊं आपको कि अपने कुछ वीडियोस के बाद घर में बैठ के पैसा कैसे बना सकते हैं, यूट्यूब से कैसे पैसा बना सकते हैं, टाइम कंपाउंडिंग को किस तरीके से आप एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। मेरे परिचय, मेरे नॉलेज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 8 साल पहले काम स्टार्ट किए, आज 40 लाख महीने कमा रहे हैं। मेरे परिचय में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 8 महीने 10 महीने पहले काम स्टार्ट किया, आज 10-10 लाख रुपए महीने की उनकी इनकम आ रही है। सो मैं उस पर भी बात करूंगा फ्रेंड्स। सो सी यू देन। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे वीडियो को शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करिए उसको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है आपसे। बाय बाय।